लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तीसरी पोटेंशियल एनर्जी और चौथी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये चार चीज़ें इकट्ठी और पैरेलल चलती हैं। इवन जो न्यूमेरिकल्स भी हैं, आपने अगर आप देखें अपनी बुक्स के अंदर कहीं पर भी, वो ना मिक्स्ड मिलेंगे आपको, सिर्फ फोर्स पे नहीं मिलेंगे। फोर्स और फील्ड एक जैसे ही बिहेवियर है, क्योंकि जो फोर्स है बस एक मास हटा दो फील्ड बन जाएगा, और उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का भी सेम ही बिहेवियर है। तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फोर्स के अंदर दो मासेस इन्वॉल्व रहते हैं, जिसके अंदर जी एम एम बाई आर स्क्वायर, और उसी तरीके से अगर मान लो ये मास है और मुझे क्या निकालना है, मुझे ई निकालना है, और अगर मुझे ई निकालना है तो वहाँ पर कुछ भी मास पड़ा हो पॉइंट मास में वन रखूंगा और ई की वैल्यू अट्रैक्टिव होगी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी जी एम बाई आर स्क्वायर। प्लैनेट का मास मैटर करता है इसमें, एनर्जी में दोनों मासेस मैटर करते हैं और पोटेंशियल के अंदर माइनस जी एम बाई आर प्लैनेट का मास है और कुछ नहीं है। तो आज हम क्या करेंगे, इनके ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं थोड़े थोड़े थोड़े, और मैं आपको इकट्ठे ही उसी न्यूमेरिकल में वी निकाल के दिखाता हूँ, एक ही न्यूमेरिकल के अंदर ई निकाल के दिखाता हूँ, वहीं पर यू और वहीं पर सब कुछ निकाल के दिखाता हूँ। कैसे, कॉपी ओपन करनी पड़ेगी। करो स्टार्ट। सबसे पहले एग्जाम्पल है, लेट अस सपोज, मैं जो पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो मैं फोर्स का दे रहा हूँ, फोर्स का। तो पहला एग्जाम्पल फोर्स का है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में लेट अस सपोज ये आपके पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में पॉइंट मास है एम 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 और एम, मतलब हम यहाँ बड़े मासेज नहीं, जस्ट पॉइंट मासेज लेते हैं, एम एम पॉइंट मास है और साइड स्क्वायर का ए है। आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालनी है, क्या होगी एट सेंटर, इसके सेंटर पे नेट फोर्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक, ये प्रॉब्लम है। आंसर आप ये नहीं पूछेंगे सेंटर पे मास कितना है, जिस पे फोर्स निकालनी है उसका मास तो देना पड़ेगा ना पहले, तो ठीक है इसका मास एम है। अब करें भाई, जिसके ऊपर फोर्स का प्रॉब्लम है तो मासेज चाहिए, ई की प्रॉब्लम होती तो मास नहीं चाहिए जहां पे ई निकालना है, तो यहां तो चाहिए। अब क्या आंसर है, अच्छा ये तो बता दो। ओके, नहीं आंसर नहीं, और अच्छा ये तो कितना, 8 जी एम स्क्वायर बाय ना ना, जीरो, आंसर जीरो है भाई। ये देखो ना, किसको फोर्स लगानी है, इसको लगानी है कौन लगाएगा फोर्स, इसके आसपास के मासेस लगाएंगे, ये वाला मास इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जी एम एम बाई ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर, हाफ डायगोनल क्या होता है ए बाय रूट टू, सही। अब ये जो मास है ये इसे अट्रैक्ट करेगा, राइट, विद द सेम फोर्स ऑफ एफ, एफ एंड एफ जो आपस में क्या कर जाएंगी, कैंसल, मैग्नीट्यूड बराबर है ना, तो एफ और एफ कैंसल। उसी तरीके से ये मास भी इस मास को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये मास भी क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये भी आपस में क्या कर जाएंगी, कैंसल। तो इसलिए जो नेट फोर्स आएगी सेंटर के ऊपर वो क्या आएगी, जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि
ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉब्लम बिना वेक्टर के सॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड से काम कर ही नहीं पाएंगे। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें वेक्टर से इसकी डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी, और डायरेक्शन लेने के बाद इन सबको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, आप इस क्वेश्चन को बताएं कैसे करना है। सपोज ये एक ट्राइंगल है, गेरा ये ए, ये ए और ये ए, एक मास यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है। आपको नेट फोर्स बतानी है, नेट फोर्स की बता की वैल्यू बतानी है एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक, जल्दी नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है, ये इस पर पेन को हाथ तो लगाना पड़ेगा, सारे आंसर जीरो नहीं है। हाँ नहीं, मुझे लगता नहीं। और क्या करोगे ऑल्टीट्यूड लेके, मास और मास में डायरेक्ट डिस्टेंस चाहिए बस। नहीं, तो इसमें चेक करो जरा, ठीक है। देखो लॉजिक, देखो आप ना एक पॉइंट समझो, इस केस में या ऐसे केसेस के अंदर आप इसमें फोर्स निकाल रहे हैं, तो फोर्स की वैल्यू बिना वेक्टर के तो निकलेगी नहीं, बात पक्की है। तो काम क्यों नहीं करते, किसके ऊपर, आप ये डिसाइड करो किसके ऊपर फोर्स निकालनी है। आपको यहाँ पे फोर्स निकालनी है तो सारे वेक्टर आपको यहीं ड्रॉ करने चाहिए, आपस में ये क्या फोर्स लगा रही है आपको मतलब ही नहीं है, पूछा ही नहीं है। तो इसके ऊपर देखें तो एम ने एम को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट, और बाय अ फोर्स ऑफ एफ। और सिमिलरली इस एम ने भी इस एम को सेम फोर्स से अट्रैक्ट किया, सिमेट्री है फिगर में। तो एफ की वैल्यू क्या है बोलो, जी एम एम बाय ए का स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल क्या बनेगा, 60। अब ये क्वेश्चन वेक्टर की कैटेगरी में हो गया, अब फोर्स का तो नाम ही है वैसे तो वेक्टर की प्रॉब्लम है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, जिसके अंदर ये एक पैलोग्राम ड्रॉ करेंगे, ये रहा इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट में ये जो वैल्यू आएगी वो नेट फोर्स होगी, और जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस टू इंटू एफ इंटू एफ इंटू कॉस ऑफ कितना, 60। तो नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ एफ का स्क्वायर मीन्स टू एफ का स्क्वायर प्लस टू एफ का स्क्वायर कॉस 60 के हाफ। तो आपके पास सॉल्व करके वैल्यू आएगी रूट थ्री इंटू एफ, और एफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जी एम एम बाय ए का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए इसका नाम चाहे ए बी कर दो, डायरेक्शन इज अलोंग ए बी, डायरेक्शन की वैल्यू मेंशन कर दो, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी अलोंग ए बी या वर्टिकली डाउनवर्ड कुछ भी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब ये बताओ
कि सपोज चलो ये तो एक क्वेश्चन है ही है, ठीक है। नेक्स्ट सपोज ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये रहा, ये एक स्क्वायर है, अगेन इस स्क्वायर के ऊपर मास m है, इस स्क्वायर के ऊपर मास m है, यहाँ पर कोई मास नहीं है, यहाँ पे एक और मास है सेंटर के ऊपर m, आपको नेट फोर्स निकालनी है एट पॉइंट सेंटर, सेंटर के मास के ऊपर नेट फोर्स क्या होगी, ये क्वेश्चन है, और स्क्वायर की साइड a है, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें ये मास, देखो आपको नेट फोर्स इस पे निकालनी है, सारे वेक्टर इसी पे ड्रॉ करने हैं, तो ये मास इस मास को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट F, और ये मास भी अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट F की वैल्यू क्या होगी, G M M by A by root 2 का होल स्क्वायर, और इस फोर्स की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर, अब स्क्वायर है तो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये इसका रिजल्टेंट आएगा, और जो नेट फोर्स आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, रूट टू टाइम्स एफ, और एफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जी एम एम बाय ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर इज द आंसर, और लिख देना इसका नाम दे देना, ये सी है ये बी है, तो अलॉन्ग सी बी, ताकि पता लग जाए कि डायरेक्शन भी मैंशन की है। नहीं नहीं मैंने कहा यहाँ मास नहीं है, क्रॉस किया मैंने, क्रॉस है, यहाँ पर मास नहीं है, मैंने ये बताया था। तो आई होप ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम है, और मैं आज सिर्फ पॉइंट मासेस को उठा रहा हूँ, हालांकि आपके पी वाई क्यू के अंदर स्फीयर में से स्फीयर कट कर दिया और फिर मास निकाल फोर्स निकालो, ऐसी प्रॉब्लम है जो अगला लेक्चर रखा हुआ है इसके ऊपर, मतलब आज पॉइंट मासेस हैं, नेक्स्ट टाइम से पॉइंट मासेस नहीं है, रॉड रिंग डिस्क के ऊपर काम करना है, ठीक। तो आज फोर्स की प्रॉब्लम क्लियर है, मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए करवाई जा रही है ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन फोर्स का बिना वेक्टर के सॉल्व नहीं हो सकता, क्लियर है। और वो क्वेश्चन मैंने करवाई दिया था कि अगर दो मासेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ आर तो बताओ वो पॉइंट ढूंढो, एक्स ढूंढो जहाँ नेट फोर्स जीरो, वो हमने ऑलरेडी कर लिया। तो ये फोर्स का कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ई। तो ई का कॉन्सेप्ट करते हैं, देखो